नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पिज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले पशुधन सहायक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे या महत्वपूर्ण डाउट्स पे जो काफ़ी सारे कैंडिडेटों के आ रहे हैं। तो तमाम दोस्तों को सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ के लिए मैंने एक यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के अंदर कुछ डाला था। उसके अंदर ये पूछा था कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, सही सही बताना है आप सभी दोस्तों को। लेकिन कुछ लोग तो क्या ही बताए उसके बारे में, इतना बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड ही नहीं किया जा सकता, सोचा ही नहीं जा सकता कि कितनी मेरिट जा सकती है क्या। अगर जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उस आंकड़ों के आधार पर देखते हैं तो मेरिट ज़्यादा जाने की संभावना है। अभी तक आपने अगर कम्युनिटी पोस्ट में जाके वो चीज़ें नहीं देखी है तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, पहले यूट्यूब चैनल के वेट सक्सेस विद पीजी यूट्यूब चैनल पे जाइए। उसके बाद में एक साइड में वीडियोज आएगा, पोस्टें आएंगी, प्लेलिस्ट आएगी, उसके बाद में कम्युनिटी पोस्ट आता है। उस कम्युनिटी पोस्ट पे जैसे ही क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि जो हमने डाला है पूरा स्कोर कि कितना कितना आपका आ रहा है, वो तमाम चीज़ें आप देख सकते हो। देखने के बाद में उसमें आपको कमेंट्स करना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, या आपको क्लिक करना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। जेन्युइन बताना है, ऐसे नहीं बताना कि एक तो बंदा बता रहा है कि 119, अरे भाई 119 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया क्या है, मेरे को बता देना। आपने पढ़े ही नहीं होंगे 119 क्वेश्चन, जो 119 बता रहे हैं ना वो 70-80-60 पे बैठे जाके। ज़्यादातर अगर एवरेज कैंडिडेट देखते हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है जो जेन्युइन कैंडिडेट है 105 या 6 क्वेश्चन जेन्युइन जो एवरेज आ रही है, किसी ने 7 कर लिया, किसी ने 10 कर लिया, तो किसी ने 102 कर लिया, तो 105 या 6 क्वेश्चन एवरेज आ रही है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि अटेम्प्ट किए होंगे। हो सकता है कुछ कैंडिडेट ने 110-112 किए होंगे, लेकिन वो कैंडिडेट आपकी मेरिट को प्रभावित नहीं करेंगे, ठीक है। ज़्यादा जो एवरेज वाले कैंडिडेट है वो आपकी मेरिट को प्रभावित करेंगे। ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि जिसके 104 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो हमारी मेरिट को ख़राब कर देगा, नहीं, वो कभी किसी के पास आता ही नहीं है, वो टॉप रहता है, ठीक है। जो क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं आपके सही हो रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ताकि जल्दी से जल्दी एक एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो मिल सके हमें। और इस प्रकार से अगर 119 लिखोगे, 117 लिखोगे, 112 लिखोगे या कुछ भी लिखोगे उसमें जो हमें लगता ही नहीं है कि इतनी मेरिट जा सकती है, अगर उतना लिख रहे हो तो फ़ायदा क्या है, आपका फ़ायदा ना मेरा फ़ायदा, ना जो देख रहे हैं उनका फ़ायदा। तो फ़ायदा होने वाली चीज़ ये है कि आप जेन्युइन अपने मार्क्स है वो लिखें, आपकी जो ये आंसर की आई थी इस आंसर की के आधार पे कितने मार्क्स बन रहे, हो सकता है एक दो नंबर एक दो क्वेश्चंस में ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला जो फाइनल आने वाली है उसमें, और जल्दी ही आपकी आंसर की आ जाएगी। मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में आपकी जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, इस वीक के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी और जल्दी ही इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट जारी होता है आप सभी दोस्तों को पता है उसके बाद में तो ज्वाइनिंग डीवी का काम तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। 2022 के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, जहाँ तक मुझे सूचना प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्योंकि नेक्स्ट ईयर में राजस्थान के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं तो उससे पहले पहले तो नई वैकेंसी आने की संभावना पूरी पूरी है दोस्तों। अभी कुछ भी सूचना नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना मुझे पता है, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने इधर उधर से पता किया है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर में आपकी नई वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी को 2022 के अंदर कंप्लीट किया जाएगा और कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट वैकेंसी है वो जल्दी ही आएगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कट ऑफ के ऊपर जितना भी आप संयम के साथ, जितना एक्सपेक्टेड जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बताइए, ताकि जो नई कट ऑफ बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। आपको भ्रमित नहीं करना चाहता कि इधर उधर से कट ऑफ बना दी और आपको, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एक एक्चुअल डाटा मिलेगा तो आपको भी लगेगा कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, आपको लगेगा कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो आप अलग से तो तैयारी करना स्टार्ट करें, किसी LSA के पीछे तो नहीं पड़े रहे, ठीक है। तो सभी दोस्तों से फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कट ऑफ के बारे में एक्सपेक्टेड जो जानकारी है वो कमेंट सेक्शन में, उस पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि हमें डाटा कलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।